ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियां भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद कुछ रिश्ते नहीं चल पाते हैं। आम लोगों की तरह ही बॉलीवुड सेलेब्स के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जी हाँ, आज हम इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ मशहूर गायकों की, जिनमें से कुछ ने दो शादियां की हैं तो कुछ ने दो से भी अधिक शादियां की हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है वो गायक। नंबर वन, हिमेश रेशमिया। मशहूर गायक हिमेश रेशमिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें कि हिमेश ने अपनी जिंदगी में दो शादियां की हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि हिमेश का कहना है कि उन्होंने शादी के पहले अपनी पहली पत्नी से रजामंदी ली थी, इसके बाद ही शादी का फैसला लिया था। साल 2017 में हिमेश ने अपनी पहली पत्नी से 22 साल पुराना रिश्ता खत्म करके 2018 में गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से शादी कर ली। नंबर टू, उदित नारायण। 90 के दशक के बॉलीवुड फिल्मों के प्रमुख गायकों में से एक उदित नारायण ने करियर की शुरुआत से पहले ही रंजना नाम की एक महिला से शादी कर ली थी। इसके बाद उदित अपना करियर बनाने मुंबई आए और यहां उन्होंने अपने गायकी से अच्छा खासा नाम कमा लिया। इसके बाद उन्होंने दीपा नाम की महिला से दूसरी शादी की। बता दें कि दीपा नेपाल की थी और बॉलीवुड में उन दिनों संघर्ष कर रही थी। हालांकि जब पहली पत्नी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खूब हंगामा किया, पर अब उदित अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहते हैं। नंबर थ्री, सुनिधि चौहान। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आवाज से अलग पहचान बनाने वाली गायिका सुनिधि चौहान ने महज 18 साल की उम्र में ही निर्देशक बॉबी खान से शादी कर ली थी। हालांकि सुनिधि और बॉबी की शादी टिक नहीं पाई। पहली शादी टूटने के बाद सुनिधि ने म्यूजिक डायरेक्टर हितेश से शादी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी सुनिधि और उनके दूसरे पति के बीच भी अनबन चल रही है। नंबर फोर, अरिजीत सिंह। युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले अरिजीत सिंह ने भी अपनी जिंदगी में दो शादियां की। उन्होंने अपनी पहली शादी एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट से की थी, हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। इसके बाद अरिजीत ने अपने बचपन की दोस्त कोयल राय से शादी कर ली साल 2014 में। बता दें कि कोयल पहले से शादीशुदा थी, मगर उनकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं चल रही थी। इसी वजह से कोयल ने अपने पति से तलाक लिया और अरिजीत से शादी कर ली। नंबर फाइव, अनूप जलोटा। भजन और गजल सम्राट अनूप जलोटा ने भी एक या दो नहीं बल्कि तीन शादियां की हैं। इन दिनों अनूप जलोटा आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। जसलीन मथारू के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जो पिछले दिनों काफी चर्चा का विषय बनी थी। अब आपका क्या कहना है इस बारे में, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। बॉलीवुड और टेलीविजन के मसालेदार अपडेट्स और स्पाइसी गॉसिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा को।